हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बनाते हैं बनाना मिल्क शेक। गर्मी के मौसम के लिए ये सबसे परफेक्ट शेक है। इसके लिए हम लेते हैं 2 केले, पके हुए 2 केले ले लीजिए। इसको हम अच्छे से छील लेंगे। केले आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और सभी के घर में और मस्त रहते ही है, तो ये बनाना बहुत ही आसान है। आपको कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। केले चाहिए, दूध चाहिए और कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए। अगर आपको मीठा पसंद हो तो आप इसमें चीनी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बनाना को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। इसको काटने के बाद हम इसको ब्लेंडर में डाल लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं हो तो आप इसको किसी भी एक बड़े से भगोने में या फिर किसी भी जग में इसको आप डाल करके, आपके पास हाथ से कोई चीज़ अगर ब्लेंड करने के लिए है तो आप उससे भी आप ब्लेंड कर सकते हो। बनाना को आप चाहे तो अच्छे से फोक से स्मूथ कर लीजिए और फिर मिल्क के साथ उसको आप अच्छे से घुमा करके स्मूदी बना सकते हैं। अगर हैंड ब्लेंडर है तो ये बेस्ट है। अब हम इसमें काजू डाल चुके हैं, उसके बाद हम इसमें ठंडा ठंडा मिल्क डाल रहे हैं। मिल्क डालने के बाद इसको हम ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे और इसको हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक कि स्मूथ ना हो जाए। इसमें बनाना के सारे पीसेस जो है अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, काजू के भी टुकड़े अच्छे से बारीक हो जाने चाहिए और ये ब्लेंडर से बहुत ही परफेक्टली स्मूथ हो जाता है। और आप देखिएगा कि ये बहुत ही अच्छा स्मूदी बन जाता है। 2-3 मिनट तक इसको घुमाते रहिए और उसके बाद देखिए आप ये कितना अच्छा स्मूदी बन जाएगा। तब मार्केट में जैसा मिलता है उस तरह के आपको स्मूदी मिल जाएंगे। अगर आप इसमें चीनी यूज करना चाहें तो आप इसमें चीनी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बनाना खुद ही मीठा होता है तो इसमें आपको चीनी नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। अगर बच्चे मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चीनी आप यूज कर सकते हैं। इसमें मैं अभी चीनी नहीं डाल रही हूँ। तो आप देखिए ये अच्छा से स्मूदी बन चुका है। अब हम इसको एक ग्लास में डाल लेंगे।